तीसरे वनडे में द्रविड़ ने करी श्रीलंका की कोचिंग। दोस्तों, युवाओं से सजी भारतीय टीम को तीसरे वनडे में श्रीलंका के हाथों हार का सामना करना पड़ा और इसी के साथ ही टीम इंडिया का श्रीलंका को क्लीन स्वीप करने का इरादा भी चकनाचूर हो गया। टीम इंडिया ने इस मैच में हद से ज्यादा ही बदलाव कर दिए थे, यहाँ तक कि पूरे गेंदबाजी यूनिट को ही बदल कर रख दी। सभी नए गेंदबाजों को मैदान में उतार दिया, जिसकी वजह से टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा। दोस्तों, ये मैच तो टीम इंडिया हार गई, लेकिन इसी बीच मैदान में ऐसा नजारा दिखा जिसे देखकर हर कोई हैरान था। दोस्तों, राहुल द्रविड़ महान खिलाड़ी और शानदार कोच तो है ही, लेकिन इससे भी अहम बात यह है कि वो काफी विनम्र इंसान है। यह बात भारत और श्रीलंका के बीच कोलंबो में हुए तीसरे वनडे के दौरान नजर आई। दरअसल मैच को बारिश के कारण रोकना पड़ा था। इसी दौरान द्रविड़ श्रीलंकाई कप्तान दासुन सनाका को कोचिंग देते हुए दिखे। भारतीय कोच द्रविड़ और सनाका के बीच मैदान पर हुई बातचीत की यह तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और फैंस को द्रविड़ की यह दरियादिली और विनम्रता भा गई। सोशल मीडिया पर फैंस उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं। श्रीलंकाई कप्तान के लिए तो बारिश बड़ा मौका बनकर आई और उन्होंने इसका पूरा फायदा उठाया। दोनों के बीच खेल की बारीकियों को लेकर काफी देर तक बातचीत हुई। भारतीय कोच ने श्रीलंकाई कप्तान को कोचिंग दी और शायद द्रविड़ की सलाह श्रीलंका के काम आई। टीम इंडिया के मौजूदा श्रीलंका दौरे से सिर्फ युवा खिलाड़ियों को ही सीखने को नहीं मिला, बल्कि द्रविड़ के लिए भी यह अनुभव बिल्कुल नया रहा। वो पहली बार भारतीय सीनियर टीम के साथ किसी दौरे पर कोच बनकर आए थे। पहले मैच को छोड़ दें, जिसमें टीम इंडिया ने एक तरफा जीत दर्ज की थी, बाकी दो वनडे रोमांचक रहे। दूसरे मैच में भी तो भारतीय टीम पर हार का खतरा मंडरा रहा था, लेकिन तेज गेंदबाज दीपक चाहर ने 8वें नंबर पर अर्धशतकीय पारी खेल टीम को जीत दिला दी। खुद चाहर ने भी अपनी इस पारी का श्रेय कोच राहुल द्रविड़ को ही दिया था। हालांकि तीसरे वनडे में जरूर टीम से कुछ गलतियां हुई, जिसका खामियाजा उसे हार के रूप में उठाना पड़ा, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि द्रविड़ एक शानदार कोच है।